वो अजीब अजीब ड्रामा हुआ इंडिया में। उसके बाद जना खबर फैल गई, खबर फैली तो उसके नतीजे में मतलब ये जो चंद्रशेखर थे, मतलब एक तो इनकी हुकूमत कलेप्स हुई। अच्छा, साथ ही उधर खलीजी जंग में इंडिया जो था वो चूंकि बाथ पार्टी के साथ था, तो उधर से वो 1,80,000 या 1,75,000 के करीब इंडियंस वहां से निकाले गए। जो फिल्म भी बनी है एयरलिफ्ट के नाम। ये सियालकोट वाले देखिए मामले भाई, पे सियालकोट देखें में जो कुछ भी हुआ है जी, ये हाइब्रिड वार का हिस्सा है, इसमें राम मुलविस है। और जिस किसी आदमी ने भी ये इश्तेहार अंगेजी की है कि श्रीलंका के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं कि हमारा श्रीलंका बहुत खास दोस्त है। वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर पाकिस्तान के पत्रकार डॉक्टर शाहिद मसूद, आपको पता होगा, भारत को लेकर ये काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं और भारत को हर रोज़ अपने मतलब जो इनका डेली शो होता है उसमें रोज़ डिस्कस करते हैं, कभी ये कभी वो कभी ये, मतलब इनका खासा लगाव है। एक्चुअली में ये मतलब बीजेपी गवर्नमेंट से काफ़ी परेशान रहते हैं, जो बाकी प्रीवियस गवर्नमेंट है उससे काफ़ी खुश रहता है, अब ऐसा नहीं कह सकते, क्या पता। तो यहाँ पर बात हो रही है IMF के बारे में। भारत 90 के दशक में, आपको पता होगा, आपने न्यूज़ में या कहीं पे पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने सोना गिरवी रखा था। भारत की बहुत अर्थव्यवस्था नीचे जा चुकी थी और देश के चलाने के लिए हालत नहीं थी। आपको भी अगर आपने ये पढ़ा होगा तो उसी बारे में डिस्कस हो रहा है। और उसके बाद से भारत IMF में कभी नहीं गया, भारत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तो इस बात से ये डॉक्टर शाहिद मसूद बोल रहा है कि पाकिस्तान की सरकार को सीखे। आपको भी पता है पाकिस्तान की एक्चुअल मेन सरकार तो आर्मी है और उनका काम है करप्शन और हथियार और भारत का से जंग का माहौल दिखाकर कश्मीर जीतना, इसी चीज़ में उन्होंने अपने देश का बैंड बजा दिया है। तो ये आप समझ सकते हैं। आप आगे वीडियो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिए। अबू माजन या महमूद अब्बास ने माफ़ी मांगी जब उन्होंने खलीजी मुल्कों का दौरा करना था 2005 में। चंद्रशेखर पे आ जाए तो उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त ये वजीर आजम थे इंडिया के, और इंडिया के अंदर बलन वॉर गिर गई, पहले से क्राइसिस चल रहा था, डेट क्राइसिस, ये वो आगे पीछे करते कराते। तो अचानक जनाब क्या हुआ कि वहां पर पता ही चला, इस चीज को रखा खामोश, लेकिन हुआ क्या कि उनके पास रह गए सिर्फ 2 हफ्ते के जखायर। और 2 हफ्ते के जखायर, अगर पैसे पैसे उनके पास गालिबन वो $1 बिलियन से भी कम रह गए, और वो IMF के पास गए, और IMF के पास वो गए 2.2 अरब डॉलर के लिए, $2.2 बिलियन। और IMF ने कंडीशन रखी कि आपके मुल्क में जितना सोना है, जितना सोना गोल्ड, कंडीशन क्या रखी आप जरा देखें। मैं एक होता है ना कि इंतहाई इंतहाई यानी बदतरीन अगर कोई रख सकते हैं, उन्होंने कहा वो जितना सोना है तो 67 टन गोल्ड था। उन्होंने कहा इसको गिरवी रखें आप, IMF ने कहा, और फिर आपको $2.2 बिलियन देंगे। इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। IMF ने कहा नहीं, ये सोना आप बैंक ऑफ इंग्लैंड में जहाज के जरिए भेज के वहां रखवाएंगे, आपके मुल्क में नहीं होगा, और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में फिर आपको लोन मिलेगा। ये उस जमाने का अखबार हम दिखा रहे हैं, ठीक है, जरा अखबार दिखाएं तो लोगों को ताकि याद भी आ जाए। ये बड़ा कमाल का, ठीक है ना, 5.5 बिलियन लोन टू इंडिया। अच्छा, 2.2 के लिए गए थे, 2.2 लिया था, 5.7 की बात चलती है, लेकिन मेरे पास मेरा ख्याल है कि 2.2 था। एनीवे, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, खामोशी की खबर नहीं दी इंडिया में किसी को, लेकिन खामोशी से सोना टनों के हिसाब से जिस गाड़ी में जा रहा था वो गाड़ी के टायर फ्लैट हो गए सड़क पे। वो अजीब अजीब ड्रामा हुआ इंडिया में। उसके बाद जना खबर फैल गई, खबर फैली तो उसके नतीजे में मतलब ये जो चंद्रशेखर थे, मतलब एक तो इनकी हुकूमत कलेप्स हुई। अच्छा, साथ ही उधर खलीजी जंग में इंडिया जो था वो चूंकि बाथ पार्टी के साथ था, तो उधर से वो 1,80,000 या 1,75,000 के करीब इंडियंस वहां से निकाले गए। जो फिल्म भी बनी है एयरलिफ्ट के नाम से, कहते हैं सबसे बड़ा जो एक वहां से लोगों को निकाला गया था सिविलियन एयरक्राफ्ट के अंदर हिस्ट्री में, तो वो वहां से जो है वो डायस्पोरा वहां से खलीजी मुल्कों से आया, वहां से बेरोजगारी बड़ी, साथ ही ये लोन चढ़ गया, साथ ही वो डिवेल्युएशन करते हैं, इन्होंने कर्जा लिया। लेकिन गवर्नमेंट को अच्छा, साथ ही चंद्रशेखर क्या हुआ, राजीव गांधी कत्ल हो गए, ये चंद्रशेखर की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, IMF से लोन लिया। अच्छा, इंडिया के अंदर गम गुस्सा कि क्या हो गया है, हमने सारा सोना रखवा दिया है उनके पास, गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। नरसिम्हा राव आ गए, नरसिम्हा राव आ गए और मनमोहन सिंह आ गए,
चार पांच कंडीशंस रखी उन्होंने, और चार पांच कंडीशंस रख के उन्होंने कहा कि ये आप इस्लाहात करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। इंडिया ने वो इस्लाहात की, सोना नहीं दिया। सोना वापस ले गया, ये सारा सोना वापस आ गया। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये पैसे वापस किए आईएमएफ को, उन्होंने जो कंडीशंस क्या रखी थी, इसको ठीक करें, इसको ठीक करें, इसको ठीक करें, वो इस्लाहात। सारी इस्लाहात करके वो पूरा चेंज हो गया ना, सोवियत से वो कैपिटलिस्ट मार्केट इंडस्ट्रियली वो सारा चेंज किया, क्योंकि इंडिया का सिस्टम सोवियत सिस्टम चल रहा था ना, तो गैर जानबदाराना छतरी के तले तो सोवियत सिस्टम था। उन्होंने सारा चेंज किया, और चेंज करने के बाद ये हुआ कि वो सोना भी वापस आ गया और आईएमएफ के पास फिर नहीं गए। और हम उस वक्त से लेके 91 से लेके अब तक, वैसे तो 32 हो गए, 91 से लेके अब तक हम 8 या 9 दफे जा चुके हैं आईएमएफ, लेकिन रिफॉर्म्स हमने नहीं करनी, इस्लाहात हमने नहीं करनी, हमने फिर जाना है इधर से लेके उधर, जाना है उधर से लेके उधर, देने पे उधर से एक तो मैंने आपसे कहा ना कि इतनी खौफनाक, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि सऊदी अरब ने कहा 72 घंटे पे, उन्होंने जहाजों में सोना भर के ले गए, वो सोना वापस आया फिर इंडिया, ये आप कंडीशन देखें, लेकिन रिफॉर्म्स कर लिए उन्होंने। बात सर ये है कि अब ये इसको आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, आपको ये इधर से लेके उधर दे दिया, कौन को खुशखबरी सुना रहे हैं कि सऊदी अरब ने पैसे रखवा दिए, भाई खुदा का प्लीज, ठीक है ना। जो विजनरी लीडरशिप्स हैं, जो वो मुल्कों को ये मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने पूरी की पूरी वो रिफॉर्म्स करके, जब वो फिर लंबे अरसे तक रहे नरसिम्हा राव मनमोहन, तो वो रिफॉर्म्स कर गए। अभी हमारे शौकत तरीन साहब या हफीज शेख साहब या बाकी सारे लोग देखें तो सही कि आईएमएफ ने रिफॉर्म्स करके कुछ मुल्क आईएमएफ के चुंगल से निकले हैं। अब अगली दफा जाएंगे आप आईएमएफ के पास दोबारा, तो आप क्या उनसे बात करेंगे जाके, भाई वो कह रहे हैं आपको रिफॉर्म्स करें, आप उनसे निकलो निकलो क्यों, वजह मनमोहन सिंह ने वहां रहना है, नरसिम्हा राव ने भी वहीं रहना है, ठीक है, राहुल गांधी ने भी वहीं रहना है, हालांकि बड़ी कमजोर हुकूमत थी वो चंद्रशेखर की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट, लेकिन वो बारह पैसा उसको देना पड़ सियासी गया आदत थी आगे, वो इलेक्टेड नहीं, लोग मैं ये कह रहा हूं कि कोलैप्स हो गई गवर्नमेंट, वो रास्ता नहीं था, और वो कई सालों का मसला था ना, सोवियत यूनियन और ये और रुपी उनका, मैं ये सिर्फ बात आपसे कह रहा हूं कि लोग निकले हैं आईएमएफ से, उनको स्टडी तो करेंगे कैसे निकले हैं। अच्छा अब लेकिन ये होती है डिसाइसिव मूवमेंट्स, अब यहां पर जाके जनाब ये प्यूटिन आ रहे हैं, भारत। भारत इंडिया आ रहे हैं ना 2 दिन बाद, अच्छा, और ये वो सुपर पावर का खेल है। अब आज के सुपर पावर्स में दोस्ती कैसे हो रही है, अब दोस्ती का जरा तरीका देखें, सुपर पावर्स राइवलरी में ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये पता नहीं मैं महसूस करूं कि आप किसी मुल्क के दोस्त कैसे बनते हैं जब आप उससे असलाह खरीदते हैं, जी बिल्कुल नहीं, नहीं असला, अगर असला खरीद लिया किसी ने एक सुपर पावर से असला खरीदा तो उसका दोस्त हो गया, यानी ये दोस्ती की बेसिक कंडीशन है कि मेरे पास असला जो है वो अमेरिका ने मुझे दे दिया,